गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्रॉम माय होम। दोस्तों टाइम हो गया रात के 9:30 बजे, और ये वीडियो मुझे इसीलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि कल मेरे को सवेरे मेरा एक मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है दिल अठवाल राइडर। मुझे थोड़ा घूमने फिरने का शौक़ है, तो मुझे कल घूमने मेरे केदारनाथ के लिए निकलना है। तो दो एक दो क्वेश्चन आए हुए मेरे पास जिनका मुझे जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ एक मैसेज तो ऐसा है कि उसका जवाब देना मुझे अर्जेंटली ज़रूरी है। मैं उसको रिप्लाई भी कर दिया वैसे, लेकिन मैंने उन लोगों को बोला कि भैया मैं वीडियो बना देता हूँ, तो वीडियो करता हूँ शुरू। पहला मैसेज आया स्वीटी का, इन्होंने बोला कि मैं आपकी वीडियो देख के किरियाना का स्टोर किया है। आप इसमें मेरे को ये बताइए कि इसमें कितना मार्जिन होता है, कैसे हिसाब किताब मेंटेन रखते हैं। नंबर 1, मैं आप लोगों को बताऊँ, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी वीडियो देख के आपने किरियाना का काम शुरू किया है। लेकिन दूसरी बात बताता, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि मेरी वीडियो देख के आपने किरियाना का काम शुरू किया, ठीक है, अच्छी बात है किया, लेकिन आपका इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 1 बात रही बात मेंटेनेंस की, भाई सामान आपको कैसे मेंटेन करना है, हिसाब किताब कैसे मेंटेन करना है। देखिए मैं किसी स्पॉन्सर्ड तो है नहीं ये वीडियो के, भाई मैं कुछ किसी ऐप का, मैं खाता बुक एक ऐप है उसको यूज़ करता हूँ, कितना गया कितना आया मैं सभी उसमें मेंटेन करता हूँ अपना हिसाब किताब। रही बात आपकी, आप अगर किरियाना के साथ कन्फेक्शनरी का सामान भी करते हो, तो आपने ये मेरे से ये सवाल पूछा कि दिन में कितना ले दे के कितना बच जाता है। मैं आप लोगों को बताऊँ, 20% अगर कन्फेक्शनरी भी है किरियाना के साथ, तो 20% आपका कहीं नहीं गया, यानी कि अगर आपकी 5,000 रुपये की पर डे की सेल है, तो आपके 1,000 रुपये आपको दिन में कहीं नहीं गए। इसी हिसाब से अगर आपकी 4,000 की है, तो 800 रुपये आपको कहीं नहीं गए। तो ये तो हुआ आपके क्वेश्चन का आंसर, रहा सामान मेंटेन करने का, आप एक कॉपी रखिए अपने पास, जो भी कस्टमर आता है अगर आपके पास वो सामान नहीं है आप उसको नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट डे आपके पास वो सामान होना चाहिए। नई दुकान कर रहे हो इसीलिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट डे आपके पास वो सामान होना चाहिए। हर कस्टमर, जो भी कस्टमर आया, अगर आपके पास सामान नहीं है तो आप उसको नोट कर लीजिए कि भाई मेरे पास ये नहीं मिला, आप उसको बोलना कि सर आप कल लेके जाना, कल मैं मंगा दूंगा। किरियाना की दुकान में आपको डेली, मैं डेली बता रहा हूँ, आपके पास डेली सामान आएगा, ये नहीं कि आपको महीने में एक बार आएगा, नो, डेली सामान आएगा। अच्छा, दूसरा एक मैसेज आया मेरे भाई का कि भाई वो पूछ रहा है कि किरियाना ग्रोसरी स्टोर के लिए या किसी और दुकान के लिए क्या हमें लाइसेंस लेना होगा। देखिए भैया, अगर आपकी कॉलोनी में दुकान है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कहीं भी ले लो, लेकिन कॉलोनियों में कोई नहीं आता चेक करने, मेरे को लॉकडाउन के बाद ही किया मैंने स्टार्ट, आज तक किसी ने पूछा नहीं है। अगर आप मेन मार्केट में दुकान करते हो तो आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि कल को कोई भी बात हो सकती है। कॉलोनी में कोई नहीं आएगा, वहाँ कॉलोनों तक के तो मेरे को ये पता कि भाई आज तक मेरे पास कोई नहीं आया है। बड़े लेवल पे आप दुकान करते हो, कहीं भी कर लो, आपको लाइसेंस ले लो तो अच्छी बात है, कोई ज़्यादा पैसे लगते नहीं है। बस ये 2 ही क्वेश्चन थे, और तो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, उनका मैं आने के बाद जवाब दूंगा। आशा करता हूँ मेरे सवालों से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जो आपको दिखाई दे रहा है उस नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए आप लोगों के पास सबसे पहले जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं अब आने के बाद। एक दो वीडियो मैंने वैसे अपलोड कर दी है, केदारनाथ ट्रिप पे होंगे, लेकिन मैंने एक वीडियो मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरी या कल या परसों एक वीडियो आने वाली है, उस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी दुकान पे क्या क्या और वो कितने रुपए का मुझे आया है, सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जो नई दुकान करने वाला या किसी की भी है दुकान, उसको ये चाहिएगा यार मैं ये सामान कहाँ से लूँ, ये मुझे कितने का पड़ेगा, हर एक A to Z मैं आप लोगों को ये बताऊंगा ये सामान आपको इतने का पड़ेगा, शुरू से लास्ट तक मेरी दुकान में जो भी आइटम है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।